डेटा चोरी के मामले में फंसी ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपने सारे कामकाज बंद करने का ऐलान किया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपना सारा कामकाज तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है। कंपनी ने ब्रिटेन और अमेरिका में खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन देने की भी घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा, हमारे खिलाफ हुए मीडिया कवरेज ने हमारे सभी ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को हमसे दूर कर दिया है। यही वजह है कि हमने निर्णय लिया है कि हम अब अपना काम जारी नहीं रख सकते। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर भारत समेत विश्व के कई देशों के चुनाव अभियान को प्रभावित करने का आरोप लग चुका है। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है। कंपनी पर आरोप है कि इसने फेसबुक यूजर्स का डाटा चुराकर उसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया।